ये दादा नियमों की किताब लेकर खड़े हैं और नियमों की किताब आपने पढ़ रखी है। ये नियम की किताब, दादा नियम की किताब पढ़ाओ इनको। बाहर जाकर किसान की बात करते हो, अंदर सदन में किसानों की बात नहीं करते हो। बाहर जाके महंगाई की बात करते हो, सदन के अंदर महंगाई की बात नहीं करते। नो, आप सदन में चर्चा नहीं करना चाहते। मैं हर विषय पर, हर मुद्दे पर आपको चर्चा करने का पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूं। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, जवाब बहुत दिखा जी। ऐसा भविष्य में विचार किया जाएगा। ओके, श्रीमती चिंता अनुराधा। थैंक यू सर। A center for excellence with an expenditure of 10 crores in non-thermal processing was recently inaugurated at National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, Thanjavur, with an aim to promote next generation technologies and meeting global standards in research and academics in the field of food processing. Does the government propose to establish any such centers in the state of Andhra Pradesh? Thank you, sir. सुनाई नहीं पड़ रहा। मुझे सुनाई में पड़ रहा है। तमिलनाडु में स्वीकृत परियोजना 81 है, जिसमें मेगा फूड पार्क 1 है, कोल्ड चेन 16 है, मिनी फूड पार्क 11 है, यूनिट 24 है, बैकवर्ड फॉरवर्ड 9 है, लैब 20 है, ऑपरेशन ग्रीन है, जिनका प्रोजेक्ट कॉस्ट 1323 करोड़ रुपया है और स्वीकृत 348 करोड़ रुपया। क्वेश्चन नंबर 20, श्री दीपक बेज। माननीय सदस्यगण, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगाया है, किसानों के समर्थन मूल्य पर प्रश्न लगाया है। आप सदन में प्रश्न नहीं करना चाहते, तख्तियां लेकर आ रहे हैं। ये दादा नियमों की किताब लेकर खड़े हैं और नियमों की किताब आपने पढ़ रखी है। ये नियम की किताब, दादा नियम की किताब पढ़ाओ इनको। नियमों के तहत 349 के तहत सदन के अंदर तख्तियां लेकर आना उचित नहीं है, ये परंपरा ठीक नहीं है। आप सदन के अंदर कुछ मर्यादाओं का पालन करो, अच्छी परंपराओं का पालन करो। महत्वपूर्ण प्रश्न आपने लगाया किसानों पर, समर्थन मूल्य पर। बाहर जाकर किसान की बात करते हो, अंदर सदन में किसानों की बात नहीं करते हो। बाहर जाके महंगाई की बात करते हो, सदन के अंदर महंगाई की बात नहीं करते। आपको पिछले सत्र में मैंने महंगाई की चर्चा के अलाउ किया था, आपने चर्चा नहीं की उस पर। ये उचित नहीं है, गलत तरीका है। नो, आप सदन में चर्चा नहीं करना चाहते। मैं हर विषय पर, हर मुद्दे पर आपको चर्चा करने का पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूं। सभा की कार्रवाई आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।